अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। क्या शिवराज स्कूल घोड़े पर जाते हैं? आपको यकीन नहीं होता तो देखें इस नज़ारे को, जहाँ एक बच्चा घोड़े पर सवार होता है और बड़ी स्टाइल से घोड़े को दौड़ाता है। यह घोड़े पर सवार होकर ही स्कूल जाता है। लॉकडाउन के दरमियान छोटे शिवराज ने अपने गुल्लक में जमा पैसे निकालकर एक घोड़ा खरीदा था, जिसका नाम उन्होंने राजा रखा था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल खुले तो वह साइकिल से स्कूल न जाकर घोड़े से स्कूल जाते हैं। उनके पिता देवराम कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होनहार है, घोड़ा उसका दोस्त है, वह उसी के साथ खेलता है, उसी पर सवार होकर स्कूल जाता है। लॉकडाउन की वजह से बस सुविधा बंद होने से फिर बाद में 3 महीने बाद स्कूलें चालू हुई तो उसको साइकिल से जाने में दिक्कत हुई, गिर जाना का भय और घोड़े से अधिक दोस्ती का लगाव, इसलिए वो घोड़े से ही जाना पसंद करता है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, खेती करता हूँ, समय पर स्कूल पहुँचाना मेरे पास समय नहीं रहता, इस वजह से वो अपने स्वयं साधन से ही घोड़े से जाता है और घोड़े को ही अपना परम वाहन मानता है। शिवराज के स्कूल के शिक्षक भी उस बच्चे की तारीफ करते हैं। लगभग साल डेढ़ साल पहले जब 3 महीने का ये घोड़ा था तब खरीदा था, उसने स्वयं नहीं खरीदा था, अपने शौक से, और तभी से उसका पालन पोषण कर रहा है। और अब वह इस घोड़े के साथ इतना अधिक घुल मिल गया है कि उसके बिना रह नहीं पाता है और उसी से रोज आना जाना ये करता है। इस घोड़े पर शिवराज का कहना है कि मैं साइकिल से स्कूल जाता था लेकिन मैं साइकिल से गिर जाता हूँ, इस वजह से अब साइकिल न चलाकर घोड़े पर जाता हूँ। मैं पहले साइकिल से आता था पर मुझे चोट लगने के कारण मैं साइकिल से अब नहीं आता हूँ और मेरे प्रिय मित्र घोड़े के साथ आता हूँ। यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है और यह कच्चा रास्ता है, इसलिए साइकिल पे गिरने से मुझे चोट लग गई थी और घोड़े से आने के कारण यही है। और मैं घोड़े से इसलिए आता हूँ क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हो गए। मासूम ने एक मासूमियत भरी हंसी देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से घोड़ा की सवारी ही अच्छी है। खंडवा के घोड़ाली माल के इस मासूम शिवराज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।